अब बात बारिश और बाढ़ की करते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र को अगले 5 दिनों तक बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। गुजरात के 5 जिलों डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी और सूरत में अगले 5 दिन भारी से भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि नासिक, पालघर, कोल्हापुर, पुणे और रत्नागिरी में 14 जुलाई तक रेड अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। वहीं मुंबई की बात की जाए तो यहां पर भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश के भी 33 जिलों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में पिछले 2 दिनों में 7 लोगों ने बारिश के कारण, बाढ़ के कारण अपनी जान गंवाई है, जबकि अगर 1 जून के आंकड़े की बात करें तो 1 जून से लेकर अब तक कुल 63 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं देश के पूर्वी हिस्सों में कहर बरपाने के बाद बारिश अब गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कहर बरपा रही है। मध्य और दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर हालात की समीक्षा की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उधर महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश ने मुसीबत लोगों की बढ़ा दी है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर भी सोमवार को कई जगहों पर पानी भर गया था। मध्य प्रदेश में बारिश संबंधित घटनाओं में 7 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। नासिक की बात की जाए तो यहां गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के सारे घाट डूबे हुए हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं नासिक में बारिश के बाद गोदावरी नदी कैसे उफान मचा रही है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य। लगातार हो रही बरसात की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में जनजीवन ठप हो गया है। इस वक्त हमें नासिक के पंचवटी शहर में पिछले 6 दिनों से यहां पर लगातार बरसात हो रही है और इस बरसात का असर क्या हुआ है ये आप तस्वीरों के जरिए समझिए। गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, साथ ही में आसपास का जो ये पूरा परिसर है इसे प्रशासन ने खाली कर लिया है। यहां पर सामने आप तस्वीरों में देखिए भगवान मारुति का मंदिर है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। किनारों पर बसे चाहे वो घर हो, दुकानें हो या फिर अन्य मंदिर, सभी पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो चुके हैं। पानी का प्रवाह कितना तेज है ये आप देखिए और परिस्थिति की गंभीरता को समझने की कोशिश करिए। पास में ही डैम है, डैम से पानी छोड़ा गया है। लगातार बरसात होने की वजह से गंगाधर डैम में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया था। जब डैम से पानी छोड़ा गया तब उसका असर सीधे सीधे इस जगह पर हुआ है। किनारों पर करीब 25 से 30 हज़ार की आबादी रहती है। प्रशासन ने कल ही इस पूरे परिसर को खाली कर लिया था क्योंकि प्रशासन यह समझ रही है कि अगले 24 घंटे इसी तरह से मूसलाधार बरसात हो सकती है। इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है और उसी के मद्देनज़र प्रशासन ने इस पूरे परिसर को खाली करने का आदेश दे दिया था। किनारों पर कोई भी व्यक्ति न आए, इस तरह के निर्देश साफ साफ प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। आम लोगों का कहना है कि इस बार जो बरसात हो रही है पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज़्यादा भीषण बरसात ये है क्योंकि पानी लगातार पिछले 6 दिनों से यहाँ पर बरस रहा है। ऐसे में जो लोग हैं न सिर्फ उनका जीवन प्रभावित हुआ है बल्कि उनका काम भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अगले 24 घंटे बहुत ही मुश्किल भरे यहाँ पर हो सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि जो जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं इस परिसर में रहने वाले लोगों के लिए उसका सख्ती से पालन किया जाए। एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज को भी बंद रखा गया है। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।